नमस्कार, टेबल ट्रेट विद सुतापा में सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत पुराना बंगाली डेलिकेसी भापा चिकन या स्टीम्ड चिकन। बंगालीज में ये स्टीम्ड जो रेसिपीज होता है ना, ये बहुत फेमस है। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप दही को ऐसे स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और बिल्कुल हंकर्ड बन जाए। फिर मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है, उसमें एक टीस्पून नमक डालना है और स्वाद अनुसार या एक टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालना है और ये हंकर्ड डाल देना है। और इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला के हमें आधा घंटे तक इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देना है। अब एक ड्राई स्पाइस बनाएंगे, जिसके लिए एक टुकड़ा दालचीनी, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री लेना है, 1 टीस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लेना है। और इन सबको बहुत अच्छी तरह से हमें मीडियम हीट में भून लेना है और बिल्कुल कलर नहीं चेंज होगा पर अच्छा सा एक खुशबू आए। फिर हम इसको हीट से निकाल के ठंडा करके एक पाउडर बना लेंगे। फिर उसी पैन में हमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेना है। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर हम 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप करके इसके अंदर डाल देना है और हाई हीट में इसको भूनते जाना है। 1-2 मिनट तक प्याज को अच्छे से भून लेने के बाद फिर हम इसमें 12 से 15 लहसुन की कलियां डालेंगे और 1 इंच अदरक को ऐसे स्लाइस करके डाल देंगे और इनको भी एकदम हाई हीट में हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। सारा चीज़ बहुत अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालेंगे और 5-6 काजू डाल देंगे और इन सबको भी बहुत अच्छे तरह से हमें भूनते जाना है। भापा चिकन में हम लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, तो स्पाइसीनेस के लिए हमें बस ये हरी मिर्च डाल देना है और काली मिर्च, ये दोनों ही डालना है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून मेलन सीड या चारमगज डाल देंगे और इन सबको भी भून लेंगे। सारे चीज़ को भूनने में 7-8 मिनट लगेगा। टोटल 7-8 मिनट भूनने के बाद ये प्याज को ठंडा करके हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, पर हम उसमें एकदम भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अब 30 मिनट्स के बाद हम चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसमें हम जो हमारा स्पाइस मिक्स था वो पूरा का पूरा डाल देंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और जो हमने अनियन पेस्ट बनाए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे एकदम रॉ मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून। यही ये रेसिपी का सबसे खास इंग्रेडिएंट है। सरसों के तेल की जगह और कोई तेल यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर देते हैं। फिर इस तरह से एक स्टील का टिफ़िन डब्बा ले लेना है और इसके अंदर सारे चिकन को हमें डाल देना है विथ मैरिनेशन। ये मैरिनेशन ही हमारा ग्रेवी बनेगा चिकन का। फिर ऊपर से हम कुछ हरी मिर्च डाल देंगे, आप इसको स्लिट करके भी डाल सकते हैं। अब इस टिफिन बॉक्स का ढक्कन बहुत अच्छे से टाइटली हमें लगा देना है। फिर एक कढ़ाई में हमें पानी गरम कर लेना है और फिर उसके अंदर हमें ये टिफिन बॉक्स डालना है और पानी का लेवल जो है वो टिफिन बॉक्स का बीचों बीच तक रहेगा, अदरवाइज जब ये बॉयल होने लगेगा पानी अंदर चला जा सकता है। पहले हाई हीट में हमें पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जैसे ही बॉइलिंग शुरू होगा फिर हम इसको लो हीट में 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे और 30 से 40 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद हमारा भापा चिकन एकदम रेडी है। इसको प्लेन राइस के साथ ही सबसे अच्छा लगता है। बनाइए इसको और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही नए नए रेसिपी के लिए।